अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद न्यू रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं सुल्तान लोकमी तुर्किश डिलाइट। काफ़ी दिन इस पर ये चल रही है रेसिपी, बट मैंने सोचा आज हम भी ट्राई करें और दिखाते हैं आपको कि ये कैसे बनती है। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। ये एक मैंने पैन लिया है या एक ट्रे आप ले सकते हैं जो कि इसकी हाइट हो और ये स्क्वायर में हो, क्योंकि इसकी जो ड्रेसिंग होगी, जो इसकी सेटिंग होगी, वो स्क्वायर में ही अच्छी लगेगी। आप चाहें तो ये मेरे पास ये कांच में है तो मैं ये ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं पैन जिसकी हाइट हो और चारों तरफ से फुल हो। इसमें मैंने खोपरा लिया है, अकॉर्डिंग टू योर ट्रे साइज़, अकॉर्डिंग टू योर डिश साइज़ आप खोपरा लेंगे। इसकी कोई क्वान्टिटी मैं मैंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अपनी डिश के हिसाब से खोपरा लिया। आप जो पैन या जो ट्रे जो डिश यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आप खोपरा लेंगे। ये पीसा हुआ खोपरा है और इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है पूरी डिश में कि ये पूरा जो है वो पीसे हुए खोपरे से कवर हो गई है। ये आधा कप चीनी मैंने ली है और ये सेम क्वांटिटी में मैदा है। दो कप जितना हमने दूध लेना है जिससे मेरे पहले बॉईल करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो कप जितना दूध है और इसे मैं गर्म करने लगी हूँ, स्लो फ्लेम पर रखा है मैंने इसे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा प्याली जो है वो चीनी, या हाफ कप आप चीनी कर सकते हैं। और इसको कंटिन्यूसली आपने घुमाते रहना है ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और इसमें बॉईल भी साथ साथ आता रहे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं चीनी इसमें डिसॉल्व हो गई है अच्छे से। और अब मैं जो है मैदे की क्वांटिटी उसमें से भी मैं अभी हाफ लूँगी, पहले हाफ ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्ब्स ना बने। कंटिन्यूसली आपने इसको घुमाते रहना है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी देर में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, बट मेक श्योर कि इसमें लम्स ना बने। अच्छा, फ्लेम मैंने इसकी थोड़ी सी तेज़ की है और अब मैं ये बाकी का बचा हुआ मैदा भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको कंटिन्यूसली आपने घुमाते रहना है ताकि इसके लम्स ना बने। मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। ये टेक्सचर जो हमारा रेडी हो सका है, आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से अभी डालूंगी और डाल के ही इसको स्प्रेड करेंगे हम। पहले मैं ये सब जगह डाल दूं। स्प्रेड मैंने कर दिया इसको अच्छे से, अब मैं इसको सब तरफ से अच्छे से फैलाऊंगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसे फैलाना है। ट्रे को आप अपने हिसाब से मूव करते रहें ताकि इसका सब तरफ से जो है बिल्कुल स्मूथ एक टेक्सचर आए, बिल्कुल परफेक्ट लेयरिंग होनी चाहिए। ये इसकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा बाहर रखूंगी रूम टेम्परेचर में आने के बाद, जब थोड़ा सा नीम गर्म हो जाएगा यानी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, देन आपने इसके हाफ आवर के लिए फ्रिज में रखना है। तब तक मैं इसकी सेकंड लेयर तैयार करती हूँ। सेकंड लेयर के लिए मैंने ये एक पैकेट व्हिपिंग क्रीम का लिया है, एक कप यानी। और आपके पास अगर व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो नॉर्मल क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। ये डाल के इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, मेरे पास ये रेड फूड कलर है, आप चाहे तो ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट 1 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने इसको फिर से बाहर निकाल लिया है और ये क्रीम भी हमारी अच्छे से मिक्सअप हो गई है। और ये मैं इसको इस तरह से स्प्रेड करूँगी सब जगह पे। स्पैचुला आपने लेना है ताकि इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकें हम।
अब मैं इसको जस्ट 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूंगी। अच्छा, ये मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया। अब इसी पॉइंट पर जो है आपने इसके पीसेस करने हैं, ये इस तरह से। इस तरह से मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, तो ये 6 पीसेस आएंगे। और अब मैं इसे निकालती हूँ। अच्छा, ये मैंने आपके सामने पीसेस किए थे, अब बिल्कुल केयरफुली एक साइड से मैं इसे उठाऊंगी और इसे हमें निकालना है। ये आप देख सकते हैं ऐसे। एक आपने देखा मैंने स्क्वायर पीस में निकाला, और अब मैं इसको टर्न करूंगी एज अ रोल और देन इसे निकालना है इस तरह से। ये एज अ रोल की तरह ये निकलेगा, ठीक है। और इसको भी आपने सर्व करना है बादाम पिस्ते क्रश करके। दो तरह से इसको डिश आउट किया, एक मैंने ये फ्लिप किया था आपके सामने एक एज अ सैंडविच रोल की तरह, और ये मैंने स्क्वायर पीस निकाला है। दोनों तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, और अच्छा करना है तो इसको फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं जो हमारे चैनल पर नहीं है, तो लाजमी कमेंट में बताइए, हम ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसे बनाएं। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।